को हमने पहले भी कहा था, जब पटना के गर्दनी बाग में हम लोगों ने धरना दिया था उस समय भी हमने कहा था कि रामगढ़ की घटना को जिस तरह से मुख्यमंत्री का ये आ रहा है कि बहुत छोटी घटना है, बहुत छोटी घटनाएं होती रहती है, ये किसी छोटी घटना अगर किसी की बेटी की, हमारी दलित बेटी की अगर हत्या होती है और उसको मुख्यमंत्री ये कहकर निकल जाए कि छोटी घटना है, डीजीपी ये कहकर निकल जाए कि आत्महत्या है, ये समझ में नहीं आता है कि आखिर ये लोग कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। हत्या हत्या होती है, आत्महत्या इसे घोषित करने की तैयारी जो कर रही है बिहार की सरकार, बिहार के प्रशासन, भभुआ प्रशासन, ये इतनी जितनी इसकी ये किया जाए कम होगा। कि आखिर एक हत्या को, महज 4000 रुपये के निकासी की बात थी, बैंक से गई थी निकालने, मनोज सिंह ने वो 4000 रुपया निकाल करके बैंक से निकाल लिया, हमारी बेटी को नहीं दिया, शशिकला को नहीं दिया, जिसकी वजह से उसने 10-15 दिन दौड़ने के बाद वो जाती है वहाँ FIR करने, थाने में FIR करने, थाना प्रभारी के लापरवाही की वजह से, थाना प्रभारी पहले मनोज सिंह को सूचना देता है, सूचना देने के बाद मनोज सिंह इसको बुला करके गाली गलौज करता है, उस शशिकला की माँ के सामने गाली गलौज होता है, माँ के साथ ले जाता है रामगढ़ थाना में ले जाता है, और केस वापिस करने के बाद एक घंटे भी हमारी बेटी जिंदा नहीं रहती है। आखिर कौन सा है? आत्महत्या के पीछे बहुत बड़ी कारण होनी चाहिए थी, और अगर कोई कारण ही नहीं था तो आत्महत्या कोई क्यों करेगा? ये भभुआ का प्रशासन इस बात को क्यों नहीं जवाब देना चाहता है? बिहार की सरकार क्यों नहीं जवाब देना चाहती है कि आखिर इतने सारे लोग जो एकत्रित हो रहे हैं शशिकला के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, तो क्यों, आखिर क्या बात है कि भभुआ पुलिस इसको आत्महत्या करने की घोषित आत्महत्या बना रहा है, प्रशासन के लोग इसे आत्महत्या साबित करने में लगे हुए हैं, और हम सारे लोग जानते हैं कि हत्या हुई, प्रशासन के लोग भी जानते हैं कि हत्या हुई है, और एक अपराधी मनोज सिंह और उनके 3-4 साथियों को बचाने के लिए सरकार कटघरे में है, और नीतीश कुमार का दलित प्रेम, ये छलावा जो दलित प्रेम, महादलित प्रेम जो छलावा उनका जो है, ये सामने आ रहा है, और उसी के खिलाफ आज हमने समय दिया था कि 4 तारीख तक अगर इस घटना की CBI जांच नहीं होती है, मनोज सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है, और जो लोग शशिकला के लिए आंदोलन कर रहे हैं उन लोगों को अगर गिरफ्तार किया जाता है, उन लोगों को अगर गिरफ्तारी की जाती है, तो हम लोग आवरण अनशन पर बैठेंगे, और उसी के खिलाफ आज हम 5 तारीख को, 5 फरवरी को हम लोग आवरण अनशन पर यहाँ बैठने का काम किए हैं, आवरण अनशन पर बैठे हैं, अनिश्चितकालीन ये आवरण अनशन है। मांग है कि इस केस की CBI जांच हो, शशिकला की हत्या का CBI जांच हो, इसमें जो पुलिस प्रशासन हत्या और आत्महत्या के बीच में जो गुमराह कर रहा है इसकी जांच करे CBI, शशिकला के परिवार के परिवार को 25 लाख का मुआवजा मिले, जो यहाँ के तत्कालीन SP भभुआ के SP DSP का निलंबन हो, ये जो दोनों लोग सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि हत्या नहीं आत्महत्या है, इसलिए बिहार सरकार से हमारी मांग है कि इन दोनों को निलंबित करें, और जो निर्दोषों पर जो कार्रवाई हो रही है, मनोज सिंह जैसे लग रहा है कि प्रशासन के भभुआ प्रशासन के पता नहीं क्या है, और जो लोग शशिकला के लिए न्याय मांग रहे हैं, न्याय की भीख मांग रहे हैं, उन लोगों को 2 बजे रात की गिरफ्तारी हो रही है, घर में पुलिस जा रही है, दरवाजा तोड़ रहे हैं, ताले तोड़ रहे हैं, तोड़ करके घर से बिना महिला पुलिस के महिला की गिरफ्तारी हो रही है, ये सब जंगल राज बिहार में प्रतीत होता है, और हमारी यही मांग है कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगे, शशिकला की न्याय के लिए जो मांग रहे हैं, न्याय जो मांग रहे हैं, उनकी जो गिरफ्तारी हो रही है, आज लगता है कि 200 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है उसके। आवरण अनशन कब तक चलेगा? ये अनिश्चितकालीन आवरण अनशन है, जब तक हमारे 5 मांगों को नहीं मांग ली जाती है तब तक हमारा आवरण अनशन चलेगा।